सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। बात बोलेगी कि नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा उस कस्तूरबा की करेंगे जिनका भी जन्म 150 साल पहले हुआ गांधी के साथ ही, और कायदे से उनके जन्मदिन को भी गांधी जितने बड़े पैमाने पे ही मनाया जाना चाहिए, लेकिन हम पाते हैं कि गांधी के 150वें साल के आयोजन के साथ आम तौर पे कस्तूरबा को भुला दिया गया है। कुछ जमातें हैं, कुछ छोटे ग्रुप हैं जो ज़रूर कस्तूरबा को याद कर रहे हैं। कई जगह बाबापू 150 चल रहा है, बाकू लोगों ने आगे रखा है, लेकिन मुख्य आयोजनों में, सरकारी आयोजनों में सारा जोर गांधी पे है। कस्तूरबा हम सब जानते हैं कि गांधी की धर्मपत्नी, 60 साल से ज़्यादा का उनका दाम्पत्य रहा, और कस्तूरबा गांधी की पत्नी और उनके बच्चों की माँ ही नहीं, उनकी सबसे बड़ी और सबसे लंबी सहयोगी थी। कस्तूरबा जितना सहयोग गांधी के सामाजिक राजनीतिक कामों में किसी भी और व्यक्ति का नहीं है। उम्र के हिसाब से देखें तो गांधी से वो 6 महीने बड़ी थी। बा और बापू की शादी बाल विवाह था और इसका असर भी था, बल्कि हरिलाल जब पैदा हुए हैं तब दोनों की उम्र काफ़ी कम थी। हरिलाल को संभालने में बा ही अकेली थी क्योंकि बापू उस समय पढ़ने चले गए थे इंग्लैंड। तो बा ने गांधी के पर्सनल जीवन में से लेके सामाजिक राजनीतिक जीवन में बड़ी भूमिका निभाई, और गांधी के सारे प्रयोगों का, उल्टे सीधे प्रयोगों का भी, कई ऐसे प्रयोग जो गांधी ने खुद वापस लिए, इन सब प्रयोगों में उनकी भागीदार थी, उनकी साक्षी थी, उनकी आलोचक थी, उनकी प्रशंसक थी। कई प्रोग्राम बापू के, उनके कहने से बापू ने बंद किया, कई प्रोग्राम उनके कहने से बापू ने जोड़। बापू के अपने प्रयोगों में भी बा ने कई बार हिस्सेदारी की और कई बार नहीं की। दाल मत खाओ, नमक मत खाओ, ये प्रयोग गांधी ने बहुत पहले उन पर किया, तो बा ने इसको नहीं माना। गांधी ने खुद अपने जब दूध, दही और एनुअल प्रोडक्ट से खुद को बाहर किया और लगभग मरने की हालत में आ गए थे, क्योंकि बछड़े के बगैर गाय को इंजेक्शन दे के दूध लेने का उनको लगा कि नहीं, ये तो बहुत क्रूरता है, और इसलिए उन्होंने दूध बंद किया था। तो बा ने उनको बचाया, जब डॉक्टरों ने कहा कि बिना प्रोटीन के ये मर जाएंगे और इनको एनिमल प्रोटीन चाहिए और दूध चाहिए, तो बा ने ये सुझाव दिया कि किसी बकरी को इस किस्म से इंजेक्शन लगा के दूध नहीं निकाला जाता है, तो आप बकरी का दूध तो पी सकते हैं। तो उस पर बापू सहमत हुए, और हम सब जानते हैं कि उसके बाद बापू ने बकरी रखना और बकरी का दूध पीना सारे जीवन किया, और एक तरह से उनकी जान बची। जान बचाने का मामला ही नहीं है, जब शादी होने के बाद गांधी छोटे थे तो भारी डरपोक थे, बहुत बाद में बहादुर बने, लेकिन उस समय डरपोक थे। तो रात में अगर पेशाब भी बाहर करने जाना होता था तो कस्तूरबा को जगा के साथ लेके जाते थे, और कस्तूरबा उस उम्र से उनके साथ खड़ी हुई। पहली बार जो महिला टीम गांधी की जेल गई है दक्षिण अफ्रीका में, कस्तूरबा उसमें थी, और सबसे मुश्किल उन्होंने अपना उपवास वगैरह शुरू किया वहीं से। कस्तूरबा पूरे जन्म गांधी के साथ लगी रही, और जहाँ भी वो रहे उनके साथ रहीं, और जो भी काम उन्होंने किया, चंपारण जब गांधी आए अपना हिंदुस्तान में पहला प्रयोग किया, तो जिस आदमी को सबसे पहले उन्होंने बुलाया वो कस्तूरबा ही थी। और कस्तूरबा वहाँ जाके गाँवों में रहीं, गांधी गाँव में कम रहे, नहीं रहे, शहरों में ही रहे, और गांधी को अपने साथ सहयोगियों के चलते भोजपुरी वगैरह जो लोकल बोलियाँ थी वो नहीं आई, लेकिन बात थोड़े ही समय में गाँव में रहने के चलते ये सब चीज़ें सीख गई। बा अंग्रेजी भी काम चलाऊ बोल लेती थी, पढ़ी लिखी एकदम नहीं थी, और गांधी को इस बात का अफसोस रहा कि उन्होंने कभी बा को ढंग से पढ़ाया नहीं। बा दस्तखत कर लेती थी, अखबार पढ़ लेती थी, गुजराती खास तौर से, लेकिन उसके अलावा उनकी पढ़ाई नहीं हुई। लेकिन बुढ़ापे के भी उनके किस्से हैं, जब वो 42 में जेल गई थी कि वहाँ वो अंग्रेजी सीख रही थी। बा के साथ गांधी के किस्से काफ़ी हैं, और साबरमती या वर्धा दोनों जगह बा एक तरह से गांधी के सख्त नियमों का, अनुशासन का एक उल्टा थी। किसी को शीतल छांव चाहिए, किसी को उससे तकलीफ हो रही है, तो वो बा के पास आके खड़ा होता था। पूरे आश्रम में वो अकेली महिला थी जिनको ये छूट थी कि वो चाय पी सकती हैं,
दोपहर में वो अपना चाय खुद बनाती थी, चाय या कॉफ़ी, और एक कप वो पीती थी। किसी ने गांधी से पूछा भी तो गांधी ने कहा कि इतनी आज़ादी तो कम से कम उसको होनी चाहिए। और सिर्फ बा को ही नहीं थी, फिर ये जितने लोग भी हमारे चाय प्रेमी नेता थे, मौलाना आज़ाद, नेहरू, पटेल, ये सब, कृपलानी, ये जब वहाँ जुटते थे तो इनके लिए दोपहर की चाय तीसरे पहर की बा ही लेके आती थी, और बा के पास ही ये जाते थे और वहाँ चाय पीते थे। आश्रमवासियों को भी कई बार कुमड़ा की सब्जी खाते खाते उब गए, साग खाते खाते उब गए, तो वो बा से शिकायत। सफाई में बा का कोई जोर नहीं था। ये सब चीज़ें बा के साथ जुड़ी रहीं। और जब बा मर गई 42 में, जेल में ही मरी, गांधी की गोद में मरी, उसके बाद का गांधी का जीवन जो है वो काफ़ी फर्क है। और मनु गांधी, जो गांधी की पोती थी, उनके भाई की पोती थी, वो आखिरी समय में बा की भूमिका में आई थी कि गांधी की निजी देखरेख वही करती थी। उन्होंने एक सुंदर किताब लिखी है, गांधी मेरी माँ, गांधी माई मदर। उन्होंने वो उस दौर को याद किया है, और हर दौर में ये लगता है कि गांधी बा को मिस कर रहे हैं। वो बोलते भी थे और उनका व्यवहार ही भी ये बताता था। और मनु ने लिखा है कि मेरे लिए बा की तरह की सफाई, उनके तरह की देखरेख और गांधी का ख्याल रखना लगभग असंभव था, क्योंकि बा जितना मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। तब गांधी के साथ सुशीला नायर भी रहती थी और वहीं से पढ़ी लिखी थी, उनके आसपास ही रह के उन्होंने भी ये कहानियाँ लिखी हैं कि बा किस तरह की सफाई सिखाती थी, क्या क्या करती थी। मैं ये सारी कहानियाँ कहने के पीछे असल में बा से गांधी का एक अनुभव जो हुआ, जिस पे दुनिया का ध्यान गया, ऐसा नहीं है कि नहीं गया, मैं पहली बार बता रहा हूँ, वो कहानी कह रहा हूँ। वो कहानी ये है कि चंपारण में गांधी को बा से ये सीख मिली। एक महिला गांधी जब भितियरवा गए, बा वहीं रहती थी, तो गांधी ने एक महिला को काफ़ी सक्रिय पाया उसके इर्द गिर्द, लेकिन उस महिला के शरीर से बदबू आ रही थी, उसके कपड़े मैले थे। तो गांधी ने कहा बा से कि तुम इससे बोलो कि ये नहा नहीं सकती, ये कम से कम नहा तो ले, अगर कपड़े और साबुन न हो तो कम नदी में या तालाब में जाके कपड़े एक बार धो ले, नहा ले, कपड़े धोना और नहाने इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है। तो उस बा ने उस महिला को ये बात सुनाई। उस महिला ने कहा कि आप चल के हमारी झोपड़ी देख लीजिए, वहाँ कोई पेटी बक्सा ऐसा नहीं है और कोई ऐसी जगह नहीं है मैंने जहाँ कोई चीज़ छुपा के रखी हो। एक ही साड़ी है, मैं अगर इसको धोऊंगी, नहाऊंगी तो पहनूंगी क्या, और नंगा होके तो रहा नहीं जा सकता। महात्मा जी से कहिए कि दूसरी साड़ी दिला दें, तो मैं रोज़ नहाऊंगी, रोज़ धोऊंगी। गांधी इससे इतने द्रवित हुए और इतने चुप हो गए, डबडबा गए, कि उसके बाद उन्होंने गरीबी और हाइजीन और इन चीज़ों के रिश्तों को नए तरह से देखा, खुद अपने कपड़ों को नए तरह से देखा। और हम जानते हैं कि जब गांधी चंपारण आए थे, उस समय तक गुजराती वेशभूषा में थे, काफ़ी बड़ी पगड़ी उसमें शामिल है। चंपारण रहते हुए उन्होंने वो पगड़ी काफ़ी छोटी कर ली थी और चंपारण के किसानों की तरह की पगड़ी और गमछा रखने लगे थे। लेकिन थोड़े दिन बाद ही जब वो दक्षिण गए तो उन्होंने ऊपर का कपड़ा भी छोड़ दिया और वो आधी धोती पहन के, सचमुच की आधी धोती पहन के और घुटने तक की धोती पहन के फिर सारी ज़िंदगी रहे। सर्दियों में चादर ओढ़ लेते थे और उनकी वो पोशाक सारी दुनिया में नामी हुई। और अपने को उन्होंने हिंदुस्तानी आम आदमी के साथ किस तरह जोड़ा, हम आज उसका एक प्रतीक उसको भी मानते हैं। इस प्रसंग को कहने के साथ मैं थोड़ा और ये कहना चाहता हूँ कि इसको हम सब ने देखा है कि एटनबरो ने अपनी फिल्म में इस्तेमाल किया इस प्रसंग को, और उन्होंने उस औरत को नहाते दिखाया है और बापू का द्वारा अपनी पगड़ी उसकी तरफ उस नदी में बहाते, वो नदी भी संजोग से भितरवा के ठीक लगी हुई है। तो वो बहुत ही कल्पनाशील डायरेक्टर थे और बड़े खूबसूरत ढंग से उन्होंने इसको दिखाया है। यही बात मृणाल सेन ने दिखाई है और उन्होंने इस को और अधिक ड्रामा बना दिया है कि एक घर में तीन औरतें हैं जो एक ही साड़ी में रहती हैं और जो औरत बाहर निकलती है वो एक साड़ी पहन के जाती है क्योंकि दरिद्रता इतनी ज़्यादा है। इस तरह के किस्से बंगाल से भी आए थे अकाल के समय, संभव है उनके दिमाग पे ये हो, उन्होंने इस प्रसंग में उसका इस्तेमाल किया है। अभी मेरे दोस्त रविंद्र त्रिपाठी ने एक नाटक लिखा जो संगीत नाटक अकादमी से चल रहा है, मेरे कहने मना करने के बावजूद उन्होंने इस कहानी को जस का तस रखा कि एक साड़ी तीन औरतों के पहनने का प्रसंग। तो इस तरह के ड्रामा
आप देखें उसमें हर्जा नहीं है, लेकिन गरीबी और सफाई और इस मुल्क की गरीबी और गांधी के ड्रेस और मुल्क के ड्रेस में जो रिश्ते हैं उसमें सच्चाई रहनी चाहिए। ये कहानी कहने का एक मेरा उद्देश्य ये भी है कि कहानी सच्चे ढंग से जानी चाहिए और इसमें ये जो प्रकरण हैं इनको नाटक का हिस्सा भी मानना चाहिए और उसके पीछे किसी किस्म का वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। जिस तरह से गांधी ने अपना ड्रेस बदल के आगे काम किया, इन सब महानुभावों ने इन कहानी इन बदलावों के जरिए इसी चीज़ को और हाईलाइट किया है। तो बा ने ये चीज़ गांधी को दिखाई और बा इस किस्म की काफ़ी सारी व्यवहारिक चीज़ें हिंदुत्व में भी, बा का हिंदुत्व सनातनी था, गांधी का हिंदुत्व काफ़ी हद तक रेशनल था, तो इन चीज़ों को आगे हम देखेंगे। लेकिन बा को भूलना और ख़ास तौर से 150वें साल में ये बार बार मेरे जैसे काफ़ी सारे लोगों को अखरता है। ये दंपति जितनी अच्छी थी और जितने क्लोज ढंग से इन्होंने काम किया एकजुट होके, इनके मनमुटाव की भी कहानियां हैं काफ़ी, लेकिन ज़्यादा समय जिस तरह से इन्होंने मिल के काम किया और अपना परिवार भुला के काम किया, गांधी का परिवार एक मायने में पूरा मुल्क हो गया था, जमुनादास बजाज और महादेव देसाई ये दो तो उनके बेटे जैसे हो गए थे, बल्कि बा महादेव देसाई के मरने पे सबसे ज़्यादा बेचैन हुई, उसी जेल में वो भी मरी और थोड़े दिन पहले ही महादेव मरे थे। तो इस तरह का परिवार बना के इन लोगों ने देश को ऊपर किया। तो राष्ट्रपिता गांधी हैं, गांधी की 150वीं जयंती मनाई जा रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन बा को भुलाना नहीं चाहिए, ख़ास तौर से इस मौके पे गांधी के सहधर्मी और उनके बराबर का काम होने के चलते, और ये भी संयोग है कि 150वां उनका भी साल है। आज की कहानी इतने ही, अगली बार एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।